हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम वी लर्न अबाउट द आवर सोलर सिस्टम। वी ऑलरेडी नोज द प्लैनेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। इन दिस वीडियो वी आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। इस वीडियो में हम जो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट का जो बीच में जो डिफरेंस होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पिक्चर में लेफ्ट साइड में इनर प्लैनेट है और आउटसाइड में आउटर प्लैनेट है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर कॉल्ड इनर प्लैनेट। जो मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है एंड आर कॉल्ड इनर प्लैनेट। इन सबको हम इनर प्लैनेट के रूप में जानते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये इनर प्लैनेट में आते हैं, क्योंकि ये जो अब देखें जो सन होता है सन के पास में होते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉयड एंड द सन, यानी कि जो सन और जो एस्ट्रॉयड है उनकी जो बेल्ट होती है, उनका जो क्षेत्र होता है, ये उसके बीच में पाए जाते हैं, इसलिए हम उसे इनर प्लैनेट कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड टेरिटल प्लैनेट, इन्हें टेरिटल प्लैनेट भी कहा जाता है। सिमिलर इन साइज, मोस्टली अगर हम देखें तो जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, ये जो सिमिलर होते हैं साइज में, यानी कि एक एक जैसा इनका साइज होता है। ये आपस में अगर हम इनका जो एरिया देखें तो वो साइज एक तरीके से सेम होता है। यहाँ पर इनर प्लैनेट में हाई डेंसिटी, यानी कि यहाँ पे हाई डेंसिटी पाई जाती है, जो घनत्व होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सॉलिड रॉकी स्टेट, ये सॉलिड रॉक यानी कि जो ठोस चट्टानों से ये बने हुए होते हैं। दे आर वॉर्म, ये वॉर्म यानी कि गर्म होते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के बारे में कहा जाता है कि पहले ये आग के गोले के समान गर्म थी, तो जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो भी इनर प्लैनेट में आता है। तो द इनर प्लैनेट इज़ वॉर्म, यानी कि ये गर्म होते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर द इनर प्लैनेट। दे आर फाउंड बिटवीन बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉयड एंड द सन, ये एस्ट्रॉयड यानी कि जो उल्काएँ हैं उनके और सन यानी कि हमारा सूर्य है उसके बीच में पाए जाते हैं। इन्हें टेरिटोरियल प्लैनेट भी कहते हैं। सिमिलर इन साइज, इनका साइज लगभग एक जैसा होता है। यहाँ पर हाई डेंसिटी होती है इन प्लैनेट्स में और ये सॉलिड रॉकी यानी कि जो इनकी चट्टानें होती हैं वो ठोस होती हैं, उससे बने हुए होते हैं। दे आर वॉर्म और ये गर्म होते हैं। नेक्स्ट आउटर प्लैनेट, जो आउटर प्लैनेट हैं उसमें जुपिटर, सैटर्न, यूनियस, नेपच्यून, प्लेटो आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट। इन सबको हम आउटर प्लैनेट बोलते हैं। दे आर फाउंड आफ्टर द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉयड, ये जो एस्ट्रॉयड है उसकी बेल्ट के बाद में, उस क्षेत्र के बाद में मिलते हैं, यानी कि जो इनसे सन और जो इन प्लैनेट का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है। दे आर कॉल्ड जेवियन प्लैनेट, इन्हें जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। लैंगर इज साइज, जो इनका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, और इनके साइज में जो अलग अलग डिफरेंस पाए जाते हैं। लो डेंसिटी, यहाँ का घनत्व होता है वो बहुत ही लो होता है। गैसियस स्टेट, यहाँ पर जो गैसेस यानी कि इनका जो डेवलपमेंट होता है वो मोस्टली गैसेस से होता है। दे आर कॉल्ड, ये कोल्ड होते हैं यानी कि ये ठंडे होते हैं। तो हमने जो डिफरेंस है बिटवीन इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट में देखा कि जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स हैं ये इनर प्लैनेट होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूनियस, नेपच्यून, प्लेटो ये आउटर प्लैनेट होते हैं। जो इनर प्लैनेट होते हैं वो एस्ट्रॉयड एंड जो सन है उसके बिटवीन, उसके बीच में पाए जाते हैं, जबकि जो आउटर प्लैनेट होते हैं वो आफ्टर द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉयड यानी कि जो एस्ट्रॉयड होते हैं उनकी बेल्ट के बाहर मिलते हैं। जो इनर प्लैनेट होते हैं उन्हें टर्शियल प्लैनेट भी कहते हैं और जो आउटर प्लैनेट होते हैं उन्हें जोवियन प्लैनेट भी कहते हैं। ये जो इनर प्लैनेट हैं वो साइज में सिमिलर होते हैं, जबकि आउटर प्लैनेट साइज में डिफरेंट होते हैं।
इनर प्लैनेट पे हाई डेंसिटी पाई जाती है, जबकि लोअर जो आउटर प्लैनेट है वहाँ पे लो डेंसिटी पाई जाती है। इनर प्लैनेट सॉलिड रॉक से बने हुए होते हैं और जो आउटर प्लैनेट है वो गैसेस से बने होते हैं। इनर प्लैनेट वार्म यानी कि गर्म होते हैं और जबकि आउटर प्लैनेट कोल्ड यानी कि ठंडे होते हैं।